हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, विकिपीडिया को तो हम सभी जानते हैं, ये इंटरनेट का सबसे पॉपुलर वेबसाइटों में से एक है। करीब 15 साल पहले शुरू की गई विकिपीडिया आज इंटरनेट पर एक खास जगह बना चुकी है। अगर आप भी किसी चीज़ की जानकारी के लिए विकिपीडिया का इस्तेमाल करते हो तो इसके बारे में ये रोचक तत्व जरूर जानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विकिपीडिया के बारे में कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, विकिपीडिया की शुरुआत जेमी वेल्स और लेरी सेगन ने 2001 में की थी। ये कोई नहीं जानता कि विकिपीडिया का पहला आर्टिकल कौन सा था। विकिपीडिया के फाउंडर जेमी वेल्स ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी वेबसाइट का पहला आर्टिकल साइट पर ही कहीं खो गया है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर मानी कि इस आर्टिकल को उन्होंने खुद एडिट किया था और इसका शीर्षक हैंडल हेलो वर्ल्ड था। दोस्तों, विकिपीडिया में विकी शब्द का मतलब जल्द ही है। ये शब्द हवाई भाषा से लिया गया है। विकिपीडिया पर रोजाना 7000 नए आर्टिकल पब्लिश होते हैं। दोस्तों, हिंदी विकिपीडिया जुलाई 2003 में अस्तित्व में आया था और 2015 तक हिंदी विकिपीडिया में 1,00,000 पेज और 2,00,000 शब्दों का आंकड़ा पार कर लिया था। विकिपीडिया भारत की सबसे मशहूर 7 वेबसाइटों में से एक है जो ट्विटर से भी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। विकिपीडिया का पहला लोगो 17 साल की यूजर पॉल स्ट्रेंसिफर ने बनाया था। इसे 2003 में डिजाइन कंपटीशन से चुना गया था। दोस्तों, सेक्स विकिपीडिया का सबसे मशहूर आर्टिकल है जो हर भाषा में उपलब्ध है। हर महीने 5 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर विकिपीडिया का इस्तेमाल करते हैं और हर महीने इसे 2 अरब से भी ज़्यादा बार पढ़ा जाता है। दोस्तों, विकिपीडिया पर सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले पेज एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स का है। 6 अक्टूबर 2011 को 74,00,000 और अगले दिन 16,00,000 से भी ज़्यादा यूजर इस पेज को पढ़ा है। दोस्तों, विकिपीडिया पर 50% यूजर का ट्रैफिक गूगल के जरिए आता है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार विकिपीडिया के 17.6 करोड़ आर्टिकल को 1 अरब बार एडिट किया जा चुका है। दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का विकिपीडिया पेज सबसे ज़्यादा एडिट किया गया है। इसे 46,000 बार एडिट किया गया है और भारत के बारे में जो विकिपीडिया पेज है उसे 22,271 बार एडिट किया गया है। साल 2006 में पहली बार विकिपीडिया पर आर्टिकल एडिट करने वाले शख्स का नाम टाइम्स मैगजीन में शुमार किया गया था। दोस्तों, विकिपीडिया पर पैसे कमाने के लिए कोई भी विज्ञापन नहीं दिखाया जाता है। विकिपीडिया को नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर रन किया जाता है। विकिपीडिया के संचालन के लिए ये डोनेशन लेती है। विकिपीडिया के कुल 1,15,000 एक्टिव एडिटर्स और 2,70,00,000 रजिस्टर्ड एडिटर्स हैं। दोस्तों, विकिपीडिया पर आने वाले लोगों की संख्या में बड़ा ही विरोधाभास है। ये वेबसाइट पर अधिकांश आने वाले लोगों की संख्या में से करीब 90% पुरुष है और महिलाएं करीब 9% है। इस वेबसाइट पर हर भाषा के आर्टिकल उपलब्ध है और इसको हर देश में खूब पसंद भी किया जाता है। इस वेबसाइट पर कुछ ऐसी भाषा भी उपलब्ध है जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, कंसर्वापेडिया नामक वेबसाइट ने विकिपीडिया पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उनके सारे लेख चुराए हुए हैं और सारी जानकारी गलत है, मगर इन सब से कुछ भी नहीं हुआ। विकिपीडिया आज भी उतना ही इस्तेमाल की जाती है जितना कि पहले की जाती थी। एक और खास बात यह है कि विकिपीडिया का मुकाबला खुद विकिपीडिया से ही रहता है। यहाँ ये पता लगाना मुश्किल होता है कि सर्वाधिक ताज़ा आर्टिकल कौन सा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे ये बताइए कि मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। और हाँ दोस्तों,
जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है। अगर आप ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा? सो प्लीज़ दोस्तों, जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए